प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ईद का त्यौहार परसों है और ऐसे में घर घर सेवइयां पहुंचाने का काम शमीम खान की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल इस वक्त मौजूद हम नाइस वर्ल्ड पर और आपको बताएंगे कि यहां पर कलवा मुमरा के जो विधायक हैं जितेंद्र भाट, उनके तरफ से मुमरा कौसा वालों के लिए हर साल की तरह इस साल भी सेवई, दूध और शक्कर का इंतज़ाम किया गया है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा घर घर भी जो है इनके कार्यकर्ता जाकर ये दूध, सेवई और शक्कर बांटते हैं। आज यहाँ नाइस वर्ड से बड़े पैमाने पर देखेंगे आप कि यहाँ पर दूध और सेवइयाँ यहाँ से जो है लोगों के घर तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पर शमीम खान का कहना है कि लोगों के घर पर जो है ईद के मौके पर सेवइयों की खुशबू आनी चाहिए ताकि उनकी ईद हो, उसी के उन्हीं के ईद में इनकी भी ईद है। इसके अलावा जो है विरोधियों पर भी शमीम खान ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग ऐसे मौके का विरोध करते हैं उनको भी इस तरह का काम करके लोगों को दिखाना चाहिए, ना कि किसी के काम पर विरोध करना चाहिए। शमीम खान और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र भाट ने क्या कहा है आपको सुना है। कि ये शक्कर जो लाई जाती है वो सातारा से लाई जाती है, ये दूध जो लाया जाता है वो सांगली से लाया जाता है, उसके लिए 8 दिन पहले जाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि ये निकालो, ये साइड में करो, ये साइड में करो, वो साइड में करो। फिर दूध का अपने को जब हमने 20,000 लीटर मंगाया है तो उसका इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे फ़ोन किया और आ गया, उसके लिए लड़के लोग जाते हैं वहाँ पे, सब अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ के नेता लोगों को बोला जाता है ज़रा कम भाव में दो, तब जाके 1-2 रुपये का कमी कर देते हैं। तो जैसे शमीम भाई बोले वैसे, ये कोई ऐसा इधर बैठे और आ गया ऐसा नहीं है, मेहनत है इसके पीछे, बांटने में मेहनत है, लाने में मेहनत है, अब सब कार्यकर्ता जो है बांटने में लगे हुए हैं। पैसा कितना गया कोई उसका महत्व नहीं है, पर लोगों के घर में जब मिठास पैदा होगी उससे जो खुशी उनके घर में होगी वो हमारे लिए दुआ है। और इसलिए मैं कभी आज तक इसके ऊपर बात नहीं किया हूँ और मैं आज भी नहीं करने वाला था, ये तो शमीम भाई बोले इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसे चीज़ों में कभी भी बात नहीं करता हूँ। अरे वो छोड़ो यार, उनके पोस्ट को कौन पूछता है यार। हुसैन भाई, मुझसे बातें करना तो आसान होता है, काम करके दिखाना मुश्किल होता है। और हम लोग ये जो बैठे हैं ना लोग, और काम करने वाली टीम है, हम लोग खाली बातें नहीं करते, हम लोग ऐसा है मेरे बारे में इतना बोला जाता है उतना बोला जाता है। अरे देखने वाले मुमरा के बाहर देखते भी नहीं, मेरा सुनने वाले लोग पूरी दुनिया में, देश में, महाराष्ट्र में फैले हुए, इनका कौन सुनता है। मैं सबसे पहले तमाम आलिम इस्लाम को, तमाम देशवासियों को मैं ईद की मुबारकबाद एडवांस में देता हूँ और चाँद की मुबारकबाद एडवांस में देता हूँ। रही बात आपने पूछा कि ये जो दूध, सेवइयाँ और शक्कर जो बढ़ रहा है, तो मैं इसके बारे में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज कोई ये पहला साल नहीं है हुसैन भाई, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 8-9 साल से लगातार ये जो है काम चल रहा है। और ये कैसा है, ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं, अभी साफ बोल रहे थे कि इसको लेकर के क्या बाइट दें और क्या बात करें, तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि अगरचे ये चीज़ लोगों तक जाती है, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग माले हैसियत हैं, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने पोजीशन दिया है, उसमें लीडर भी हैं साहब, और उसमें लीडर ऐसे भी लोग हैं जो लीडर नहीं, सामाजिक आदमी कहीं ना कहीं हैं और कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ये चीज़ों को देख करके उन्हें एक नसीहत मिलना चाहिए, लोगों को एक सबक मिलना चाहिए कि अगर ये दूध की पैकेट, सेवई और शक्कर
ये किसी गरीब के घर तक पहुंच जाता है तो उसके घर का एक दिन का चूल्हा जलेगा, और ईद के दिन अगर उसका घर, उसके घर पे ये सामान नहीं पहुंचा, उसके घर पे समय नहीं बन सकी, तो उसकी ईद नहीं हो सकती है। और अगर उसकी ईद नहीं हो सकती है तो शमीम खान ये समझता है कि हम सब की ईद नहीं हो सकती है, और अगर उसकी ईद है तो हम सब की ईद है। इसीलिए ये काम गरीबों तक, शहर के जो मुमरा कलवा और सिलफाड़ा तक, यहाँ के हलके के जो वो मुकामी, जो जैसे हमारे जो भी पार्टी के लोग हैं, जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, यहाँ बैठे हैं जफर नवानी साहब, नेहा न्यायिक, मौलाना अजहर साहब, शोएब भाई, जावेद मेडिकल, बहुत सारे लोग, ये सब मिल करके पूरी ताकत के साथ इस काम को कल रात से अंजाम दे रहे हैं। और मैं ये अपने शहरवासियों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने इस पर कल भी कमेंट मैंने देखा था, उन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ काम करना ज़रा आप लोग भी सीखो। सिर्फ बैठ करके टक 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 बोलने से कुछ होता नहीं है, उतरना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए सामान का इंतज़ाम करना पड़ता है, साहब को जेब से कुछ खर्चा करना पड़ता है, तब जा करके ये काम कंप्लीट होता है, और उस रात भर जागना पड़ता है। खाली मोबाइल लेकर के दो शब्द लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों तक मेरा यही संदेश है और यही मैसेज है कि आप शांति के साथ और अपने लोगों के साथ मिलजुल करके ईद मनाएं, और अपने बच्चों से, जो बच्चे नौजवान हैं शहर को, उनसे कहना चाहता हूं मैं कि बहुत सारे बच्चे रात में बाइक राइडिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे घर से निकल जाते हैं, उसका हादसा होता है, वालदेन को डिस्टर्बेंस पैदा होता है, वो लोग ईद ठीक से मना नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस पर खुसूसी ध्यान दें, अपने परिवार के साथ हम सब मिल करके ईद मनाएँ, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ।